क्रिस्टल्स हमको मदद करेंगे हर एक सेरेमनी में, क्योंकि वह उनमें पावर होती है टू एम्पलीफाई जो भी आप उनके सामने इंटेंशन रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उनको अपने हाथ में भी पकड़ते हैं, तो एक एनर्जी होती है, क्योंकि दे बिलोंग टू द अर्थ, दे बिलोंग, दे कम फ्रॉम द अर्थ, एंड यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू देम। सो हम डिपेंडिंग ऑन जो जो सेरेमनी है उस हिसाब से अलग अलग क्रिस्टल इस्तेमाल करेंगे। जरूरी नहीं है, अगर आपके पास वो क्रिस्टल नहीं है तो आप कोई भी क्रिस्टल जो है आपके पास उनमें से यूज कर सकते हैं, या आप इवन उसकी फोटो को रख के या अपने मोबाइल के ऊपर भी डाउनलोड करके आप उस समय वो कर सकते हैं। क्योंकि मेन चीज जो इम्पोर्टेंट है शमानिज्म में भी, या इवन कनेक्टिंग टू एनीथिंग लाइक दैट, इज के आप में विजुअलाइजेशन होना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए, दैट पावर टू कनेक्ट। सो हर जर्नी या हर एक सेरेमनी या रिचुअल्स, देर हैज टू बी दी इनर्स कनेक्शन, एंड उसके लिए आपके जितने भी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, यू हैव टू सी के दे वर्क एट द ऑप्टिमम लेवल। आपको उनको अवेकन करना है, उनको अपने सतर्क रखना है, उनको उजागर करना है। यू डोंट हैव टू स्लीप, और आपको ऐसा नहीं कि, तो इसके लिए बी लाइट जब आप मेडिटेशन के लिए आए, लाइट नॉट जस्ट फ्रॉम स्टमक पॉइंट ऑफ व्यू बट माइंड ऑल्सो। सो हृदय, दिमाग और अपने पेट को जहां तक हो खाली रखिए, जिससे कि आप अपने इस जर्नी पे या इन सेरेमनीज में या रिचुअल्स में कंसंट्रेट कर पाए, फोकस कर पाए। ओके ओके नाउ ये कुछ स्टूडेंट्स ने कोर्स किया है और उनके पास शायद होगा भी। सो ये न्यूमिनाइट क्रिस्टल है। ओके ये क्रिस्टल हम लोग आज जो इस्तेमाल करने वाले हैं, वो बेसिकली जो भी हम सेरेमनी करने वाले हैं उसमें, एक मिनट सॉरी जस्ट, हाँ, सो ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है जहाँ पे हम बेसिकली अपने शामन को, क्वालिटी को, अपने शामन, एक एक तरह से सेल्फ अट्यूनमेंट है दैट हम पावरफुल मेडिसिन मैन हैं या वुमेन है। दैट इज द काइंड ऑफ द थिंग जो हम ये इसमें करने वाले हैं। ओके सो जस्ट अ मिनट, आई वॉन्ट टू, इसको कैसे क्लोज करते हैं, बिकॉज दिस इज, आप लोगों को ये स्लाइड दिखाई दे रहा है पूरी तरह से? यस मैम दिखाई। यस यस मैम, ओके सो आई डोंट नो व्हाई मेरे इसमें, एक मिनट जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। एक मिनट रुकिए, व्हाट इज द नरेंद्र जी नेम ऑफ आप, दिस मैम क्रिस्टल? इट इज न्यूमिनाइट, एन यू न्यू एन यू एन यू एम 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 आई टी ई। एन यू यू एन एन ओके सो बेसिकली इसके थ्रू वी कनेक्ट टू आवर इनर शामन। ये हमारे, जैसे हम जब शैडो वर्क करेंगे, जो भी हमारा ऐसा चीजें हैं जो हम जीवन में अपने उनको छुपाते हैं, दर्शाते नहीं हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, दैट एस्पेक्ट ऑफ अस। ओके तो उसको, हमारे अंदर की वो स्ट्रेंथ को उजागर करने के लिए, विजडम को उजागर करने के लिए, फॉर ऑल दिस पर्पस दिस क्रिस्टल वी यूज इट। ओके बिकॉज दे ये आर आपकी कॉलिंग स्ट्रेंथ, इट क्रिस्टल ऑफ हेवन. हाँ। सो शुड वी स्टार्ट विद एन एक्सरसाइज? आप लोग इसको, क्रिस्टल को देख लिया है सबने, ध्यान से देख लिया, एवरीबडी हैज सीन, और जिसके पास है तो रख सकते हैं, और जिसके पास नहीं है, और अगर आपको, जस्ट कैच दैट इमेज,
उस इमेज को के ऊपर फोकस करिए, वो किस तरह से दिख रहा है, किस प्रकार से उसका, जस्ट गेट इनटू दैट एनर्जी ऑफ दैट क्रिस्टल, जैसे कि वह आपके सामने है, आपके पास है, आपके हाथ में है, जस्ट फील दैट, ओके, इट्स मैम नॉट एक चीज नेसेसरी। पूछूं हाँ बोलिए ना। मैम, मेरा जो अपना क्रिस्टल है मैंने ग्रीन फ्लोराइड लिया है, क्या उसे ले सकती हूँ या इसी को ही विजुलाइज करना है? ठीक नहीं, ले सकते, कोई प्रॉब्लम, कोई है, थैंक प्रॉब्लम, यू, थैंक ठीक है, यू। मैम बिफोर दिस कैन ओके। आई शेयर समथिंग? हाँ बोलिए ना। हाँ, अभी जो हमने किया ना, एक्चुअली मैं अभी ट्रांस से बाहर आया इसका। ओ अच्छा, ओके सॉरी। जैसे ही वो बैलून वाला था ना, तो इमीडिएटली मैं कहीं हिमालय में पहुंच गया, ओके हाँ और वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल आर वर्किंग, है ना, हीलिंग्स एंड ऑल, एंड मतलब इट्स लाइक वेलकमिंग एनर्जीज। ओके और वहां पहुंचते ही फिर, है ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी मतलब बॉडी से, सिस्टम से, इट्स लाइक स्टार लाइक एनर्जीज होती है ना, जैसे स्पार्किंग स्टार हाँ एनर्जीज, वो हाँ पूरा बॉडी में, हाँ अभी भी मेरा पूरा, मैं कार में हूँ, मतलब कहीं साइड में लगा के मैं कर रहा हूँ, पूरी कार अभी मुझे स्टार स्टार लग रहा है। तो इट्स ओ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू, वेरी थैंक यू। गुड, वेरी क्या गुड। मीनिंग, आई डोंट नो, बट एंजॉय इट। हाँ सो बेसिकली आपने, आपके अंदर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है हुआ है, एंड वो ही एनर्जी आपको आगे की आपकी लाइफ में, आपके आगे के जर्नी में वो गाइड करेगी, मदद करेगी, और वह आपको वह सब इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम प्रोवाइड करेगी, राइट? सो अभी यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एनर्जी क्या है या क्या है। देखिए अभी कोई भी जब एनर्जी ट्रांसमिट होती है या आपके अंदर आती है, राइट, इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ टोन, इन फॉर्म ऑफ कलर, इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, राइट? यू विल नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बिकॉज वी आर यूज टू लुकिंग एट द पिक्चर्स इन इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, मतलब इन इंग्लिश, हिंदी और वट एवर, राइट? सो वो चीज आपको अभी उस तरह से आपको स्टार्स की या इस फॉर्म में दिखाई दे रही है, मे बी सम कलर्स और वट एवर, तो जस्ट यू हैव एब्जॉर्ब दैट एंड इट हैज, इट इज देयर इन यू नाउ। स्लोली स्लोली इट विल स्टार्ट ओपनिंग अप एंड शोइंग इट इन डिफरेंट वेज ऑफ योर लाइफ, राइट? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि ये कोई नई जगह नहीं है मेरे लिए, इट्स लाइक कि पहले भी हाँ ट्रैवल। ओके गुड। तो हाँ आप पहले भी ट्रेवल कर चुके हैं, आप पहले भी, आपके पास ये एनर्जी है, आप पहले भी इस दुनिया में आ चुके हैं, आपने पहले भी ऐसे कार्य किए हैं, सो आप कहीं ना कहीं सिर्फ उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? ओके गुड। थैंक यू। मैम मेरा ये मेडिटेशन हुआ तो रिकॉर्डिंग से करूंगी तो सेम हो जाएगा ना? अच्छा आपका मिस हो गया। हाँ ठीक है ना, कर लेना फिर, रिकॉर्डिंग से कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं उसका ऑडियो भी शेयर करूंगी, लेकिन आप उसके थ्रू भी कर सकते, ठीक है? ओके सो अभी आई वॉन्ट यू ऑल, आपने इमेज देख लिया है इसका, सो जस्ट क्लोज योर आईज, आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर दीजिए एंड शांतिपूर्वक बैठ जाइए, जस्ट बी रिलैक्स्ड, फोकस ऑन योर ब्रेथ, अपने श्वास पे ध्यान दीजिए, बॉडी में किस प्रकार से श्वास आ रही है आपके नासिका के द्वारा, और कैसे आपके शरीर में जो भी उथल पुथल है, जो भी आपके मन में, तन में या दिमाग में जो भी ऐसे विचार चल रहे हैं जो आपको स्थिर नहीं होने दे रहे, जो आपको चिंतित कर रहे हैं, अब उन्हें अपने शरीर से, अपने श्वास द्वारा जब आप छोड़े तो उसे बाहर फेंकिए। जस्ट अलाउ देम टू ऑल दीज थॉट्स टू मूव आउट ऑफ योर बॉडी, आउट ऑफ योर स्पेस। सो जस्ट फोकस ऑन वॉट एवर इज डिस्टर्बिंग, जो भी आपको अभी तंग कर रहा है, एंड स्लोली स्लोली स्ली योर सेल्फ, रिलैक्सिंग, कामिंग डाउन, योर एनर्जी आपकी शांत हो रही है।
और अब आपने जो यह क्रिस्टल देखा है, या आपके पास कोई और क्रिस्टल है, सो जस्ट प्लेस दैट क्रिस्टल ऑन योर हार्ट। सो आपको अपने हृदय के पास, अपने हृदय के सामने, हृदय के ऊपर जस्ट फील एज इफ आपने यह क्रिस्टल को लगा दिए, उसको वहां पे थमा दिए। अगर आपके पास कोई भी क्रिस्टल नहीं है, कोई बात नहीं, जस्ट फील दिस इमेज। आपने ये इमेज देखी है, आपने ये फोटो देखी है, विथ वॉट एवर योर आईज हैव सीन, दैट इमेज जस्ट ट्रांसफर इट इन फ्रंट ऑफ योर हार्ट। एंड देन अब आपको कनेक्ट करना है इस क्रिस्टल की एनर्जी से, जो क्रिस्टल को आपने अपने हृदय के ऊपर रखा है। सो जस्ट कनेक्ट टू द एनर्जी, टू द दीवा ऑफ दैट क्रिस्टल। हर एक क्रिस्टल की अपनी एक एनर्जी होती है। सो इस सूत्र के साथ, उस एनर्जी के सूत्र के साथ आप कनेक्ट करें एंड आस्क इट टू शावर इट्स एनर्जी ऑन यू। सो उसकी एनर्जी जो है वह आपके अंदर आप ले रहे हैं। सो पहले आपने उनसे कनेक्ट किया है, उसको अपने हृदय के पास लाके कनेक्ट करके आपने उससे परमिशन ली है, उससे इजाजत ली है, उससे यह रिक्वेस्ट की है टू शावर इट्स एनर्जी। और जब यह एनर्जी आप कैसे अपने अंदर लेंगे, ब्रीथ दिस एनर्जी। सो जस्ट ये हार्ट के इधर है, जस्ट फील के आप उसके एनर्जी को अपने श्वास के द्वारा अंदर ले रहे हैं एंड इट इज कमिंग टू योर हार्ट। सो यू हैव प्लेस दैट क्रिस्टल ऑन योर हार्ट, लेकिन उसकी एनर्जी को आपको अंदर लेना है। सो वो एनर्जी को लेने के लिए आप श्वास द्वारा उसको अंदर ले जा रहे हैं और वह एनर्जी आपके इस हार्ट के सूत्र, इस सेंटर पे, हार्ट सेंटर पे उधर आ रही है। और जब उसकी एनर्जी आपके अंदर है, अब आप पूरी तरह से यू आर इन दैट एनर्जी ऑफ दैट क्रिस्टल। यू आर ब्लेस्ड विद दैट एनर्जी ऑफ दैट क्रिस्टल। सो नाउ व्हाट यू हैव टू फील कि एज इफ देर इज अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने एक शीशा है। आपकी आंखें अभी बंद हैं, लेकिन आप अंदर की आंखों से जस्ट फील दैट आपके सामने एक मिरर है, आपके सामने एक शीशा है और आप उस शीशे में देख रहे हैं। यू कैन सी योर सेल्फ इन दैट मिरर। और जब आप अपने आप को उस मिरर में देख रहे हैं, तो नाउ विथ दिस एनर्जी ऑफ दिस क्रिस्टल इन यू, यू नो दैट यू आर अ पावरफुल मैन और अ वुमेन। आप में एक पावर है, बिकॉज दिस क्रिस्टल हैज गिवन यू दैट पावर। और यही पावर से आपकी जो पावर है वह बढ़ गई, वो मैग्निफाइड हो गई। सो जस्ट फील दैट विद दैट एनर्जी ऑफ दैट क्रिस्टल विच इज विद इन यू नाउ। आप जब इस शीशे में अपने आप को आज देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, आप अपने आप को पावरफुल पा रहे हैं। सो फील दैट यू एंड से दैट आई एम अ पावरफुल मैन और अ वुमेन। सो अगर आप वुमेन हैं, जस्ट से आई एम अ पावरफुल वुमेन। अगर आप मैन हैं, तो जस्ट से आई एम अ पावरफुल मैन। से दिस 3 times। सो आई एम अ पावरफुल वुमेन, आई एम अ पावरफुल वुमेन, आई एम अ पावरफुल वुमेन। एंड फॉर द मैन से रिस्पेक्टेड। एंड जस्ट फील दैट यू कैन सी योर सेल्फ फीलिंग। जस्ट वो फील करना है, क्योंकि वह एनर्जी जो आपने ली है, जो आपके अंदर है, जो इस क्रिस्टल की है, अब वह आपके अंदर है, वह आपसे जुड़ गई। और जब वह आपसे जुड़ गई है, तब उसने जो ताकत प्रदान की है, उस ताकत, उस स्ट्रेंथ में आप अपने आप को जब देख रहे हैं उस मिरर के अंदर, तो आपको अब समझ में आ रहा है कि आप पावरफुल हैं, आप में एक पावर है। जस्ट फील दैट पावर इन यू, इन योर सेल्फ। सो ये 3 बार जब आपने बोल दिया है, एंड नाउ व्हेन यू आर टोटली इमर्स्ड इन दैट फीलिंग,
एंड ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी कैन फील दैट इफेक्ट। आपके हर एक कण, आपका शरीर का उस पर्टिकुलर एनर्जी को महसूस कर सकता है, फील कर सकता है। आप में जो वो ताकत आई है, जो नई जागृति आई है, उसको महसूस करिए। सो फील दैट। और उसी ताकत, उसी हिम्मत, उसी स्ट्रेंथ से आप अपने जीवन को सही मार्ग पर सही तरीके से आगे चलाएंगे। सो ये जो एक्सरसाइज है, आप थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोल सकते हैं, पर वह एक्सरसाइज हमको 3 दिन करनी है, सुबह और शाम, 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज, मतलब ब्रेक नहीं लेना है। तो आज आपने शुरू किया है, आज आपने अभी सुबह किया है, अब शाम को आप वापस से वैसे ही एनर्जी के साथ करेंगे, उस क्रिस्टल को फील करेंगे अपने हार्ट के पास, हार्ट में उसकी एनर्जी लेंगे, आस्क फॉर इट्स एनर्जी, एंड उसके बाद यू विल सी योर सेल्फ इन द मिरर एंड रिपीट दिस वर्ड्स 3 टाइम्स, दैट आई एम अ पावरफुल वुमेन, आई एम अ पावरफुल वुमेन, आई एम अ पावरफुल वुमेन। सो ये आपको 3 दिन करना है विद दिस क्रिस्टल। सो दिस इज अ सेरेमनी। सो स्लोली स्लोली यू कैन जस्ट ओपन योर आईज एंड यू कैन बी बैक टू योर सेल्फ। ओके।